वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। आज के टाइम ऐसा हो गया है कि हर कोई अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है। इसी कारण लोग अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और अपने बच्चे को, मतलब जो बचपन में छोटे से होते हैं, उनको फोन पकड़ा देते हैं। घर की औरतें भी छोटे छोटे बच्चे को फोन पकड़ा देती हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। बच्चे भी यहाँ पर रोते गाते नहीं, फोन में आराम से लगे होते हैं। घर वालों को लगता है कार्टून देख रहे हैं। कुछ बच्चे कार्टून ही देखते हैं, लेकिन इन बच्चों को फोन देना कितना घातक साबित हो सकता है आप अपने जीवन में नहीं सोच सकते। अब जो खबर सामने आई है वो इसे सुनने के बाद शायद ही अपने बच्चों को आप फोन देंगे, और देंगे भी तो, और हमेशा उसको देखेंगे कि भैया वो फोन में आखिर देख क्या रहे हैं। जी हाँ, बिहार के शेखपुरा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया, जहां 6 बच्चों ने मिलकर एक बच्ची का गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि बच्चों ने पोर्न वीडियो देखने के बाद इस कांड को अंजाम दिया। ये घटना बरबीगा गांव की है। 6 नाबालिग लड़कों ने मिलकर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बच्चियों को 3 रुपए देकर कहा कि जो भी हुआ उसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। इस अपराध में शामिल 2 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 4 लड़के अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। गैंगरेप करने से पहले ये बच्चे के साथ मिलकर मोबाइल पर पॉर्न वीडियोस देख रहे थे। पीड़िता की दादी ने इस मामले में बरबीघा थाना क्षेत्र में FIR दर्ज कराई है। उसी समय इन दोस्तों ने साथ बैठकर मोबाइल फोन पर पॉर्न वीडियोस देखा। इसके बाद उन्होंने वास्तविक जीवन में भी इसी तरह की हरकत को दोहराने की सोची। वहां से कुछ ही दूर इस खेत में, जहां 2 लड़कियां साग तोड़ रही थी, आरोपी ने 2 लड़कियों को वहां से उठा लिया और उनके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बारी बारी से सबने रेप किया। घटना में शामिल सभी आरोपी बच्चों की उम्र 10 से महज 12 साल के आसपास है। दोनों पीड़ित बच्चियों की उम्र 8 साल बताई गई है। सोमवार देर शाम पुलिस ने इस मामले में दर्ज किया है और बताया जा रहा है कि इनके घर वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके से घर वाले इनको फोन दिए थे और यहाँ पर जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब अब सवाल यही, क्या बच्चों को फोन देना सही है? नहीं, हम तो आपसे यही कहेंगे अगर आप फोन देते हैं तो दीजिए, लेकिन उसमें निगरानी जरूर करिए कि बच्चे आपके फोन में क्या कुछ देख रहे हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।